महानपुर नाम का एक बहुत ही खुशहाल गांव था। उस गांव के मुखिया का नाम लक्ष्मीधर था। दिवाकर और श्यामलाल अपनी समस्या लेकर मुखिया के सामने खड़े होते हैं। मुखिया जी, हम सच कह रहे हैं, श्यामलाल की मुर्गी को हमने देखा भी नहीं, और जब देखा ही नहीं तो उसे काट कर खाने की तो बात ही दूर है। नहीं मुखिया जी, ये सरासर झूठ बोल रहा है। हमें पक्का मालूम है हमारी मुर्गी को इसने ही काट कर खा लिया है। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? हमारी बीवी ने अपनी आंखों से देखा था कि हमारी मुर्गी उसके खेत में चली गई थी, और इतना ही नहीं, उसके पंख भी दिवाकर एक पॉलिथीन भरकर फेंकने ले जा रहा था। मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कह रहे हो कि तुमने जो देखा वो सब सच है? मुखिया जी, हम झूठ काहे बोलेंगे, हम एक सीधे साधे आदमी हैं। दिवाकर की वजह से हमारा नुकसान हो गया है, हम बस उसकी भरपाई चाहते हैं। नहीं, तुम्हारी मुर्गी कहीं भाग गई होगी, इसमें दिवाकर की कोई गलती नहीं है। अब जाओ, यहाँ पर समय मत बर्बाद करो, और तुम्हारी सजा है कि तुम 10 किलो सेब और 10 दर्जन केला मेरे घर पर आज रात तक पहुँचाओ। मुखिया जी, मेरी क्या गलती है? 10 किलो नारंगी भी, जल्दी जाओ वरना और बढ़ा दूंगा। श्यामलाल चुपचाप वहां से चला जाता है। मुखिया के बगल में आकर दिवाकर बैठता है। वाह मुखिया जी, आपने तो श्यामलाल को अच्छा सबक सिखाया। लक्ष्मीधर नाम है मेरा, दूसरों की लक्ष्मी को धरना काम है मेरा। लेकिन एक बात तो है, श्यामलाल की मुर्गी थी तो बड़ी स्वादिष्ट। आहाहा, बेचारे ने कितने प्यार से उसे पाल पोस कर बड़ा किया होगा, है? कोई बेचारा नहीं है वो दूसरों के सामने बेचारा बनता है। आपने उसे अच्छी सजा दी है, आधा हिस्सा मुझे भी दीजिएगा। तुम्हारा हिस्सा? किस बात का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे हिस्सा मांगने की? इसमें हिम्मत की क्या बात है, आपको हिस्सा देना है तो दो, वरना मैं श्यामलाल और गांव वालों को सारी सच्चाई बता देता हूँ। सोच लो आप क्या चाहते हो। मुखिया घबरा जाता है। नहीं नहीं दिवाकर साहब, आप इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाते हो? आप तो इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हो, मुझे लगा आप थोड़े फल लेकर क्या करोगे। ठीक है, आधा हिस्सा आपके घर भिजवा दूंगा। है इधर श्यामलाल अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी दुलारी उसे पानी लाकर देती है। क्या हुआ जी, मुखिया जी ने क्या कहा? मुखिया क्या कहेगा, वो तो दिवाकर का ही पक्ष ले रहा था। दिवाकर उसे पहले से ही अपने पैसों का रौब दिखा चुका होगा और खिला पिला कर रखा होगा। मेरी तो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुखिया जी ने अंतिम निर्णय क्या सुनाया? हमें 10 किलो सेब और नारंगी और 10 दर्जन केला उनके घर आज शाम तक पहुंचाना है। हमें? पर हमें क्यों, आपकी गलती क्या है? अब तो मुखिया के चुनाव भी आने वाले हैं, इस बार हम अपना मुखिया बदल देंगे। तुम तो लक्ष्मीधर को जानती ही हो, वो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी तरफ कर लेता है। और तो और, दिवाकर जैसे अमीर लोग पैसों से भी लोगों को खरीद लेते हैं और अपने पसंद का मुखिया बनवाते हैं। आप मुखिया के इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते? इस गांव को आपके जैसे मुखिया की जरूरत है, आपको ये करना चाहिए। मुखिया और मैं, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। करिए ना, इसमें सबकी भलाई है, नहीं तो इस लालची मुखिया और पैसे वाले लोगों के चक्कर में हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। हाँ तुम सही कह रही हो, ठीक है मैं करता हूँ। गांव में इलेक्शन का माहौल बनने लगता है। लक्ष्मीधर का पूरा विश्वास होता है कि उसका दोबारा मुखिया बनना तय है। श्यामलाल का मुखिया पद के लिए खड़ा होना पूरे गांव में आश्चर्य की लहर ला देता है। श्यामलाल की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लक्ष्मीधर के सामने खड़ा होने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। हाँ भाई, बात तो तुमने सही कही। तुम किस की तरफ हो भैया? दिवाकर सेठ ने मुझे कह रखा है कि अगर मैंने लक्ष्मीधर को वोट नहीं दिया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे भैया। हाँ मुझे भी कहा है कि अगर लक्ष्मीधर को वोट नहीं दिया तो मेरा ब्याज 10% बढ़ा देंगे,
फिर तो मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो जाएगा भैया। पर श्यामलाल अच्छा आदमी है। तभी वहां पर श्यामलाल का भाषण शुरू होता है। मेरे प्यारे गांव वालों, हम सब बहुत सालों से लक्ष्मीधर का अत्याचार सहते आ रहे हैं। अब हमें ही कुछ करना चाहिए। अगर आप अपने गांव में एक सच्चा और अच्छा और न्याय दिलाने वाला मुखिया चाहते हैं तो मुझे वोट दें। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। तभी वहां पर लक्ष्मीधर का एक आदमी स्टेज पर आ जाता है। उसका नाम त्रिवेदी होता है। गांव वालों, क्या तुम इसकी बातें सुन रहे हो? उधर लक्ष्मीधर सेठ सभी को सोने का सिक्का बांट रहे हैं। अमीर हो या गरीब, आगे की जाति का हो या पीछे की जाति का, सबके लिए है एक सोने का सिक्का। जल्दी जाओ और ले लो, बातें सुनने से आपका पेट नहीं भरेगा। अधिकतर लोग त्रिवेदी के बताई गई जगह पर चले जाते हैं। श्यामलाल बहुत दुखी हो जाता है। नीचे उतरकर वो दुलारी से कहता है, देखा दुलारी, मैं कहता था ना, लक्ष्मीधर के सामने हमारी एक नहीं चलने वाली। वो सारी जनता को सोने का सिक्का बांट रहा है। अब उसका जीतना तय है। लक्ष्मीधर लोगों का वोट बटोरने के लिए कुछ भी कर सकता है। आखिर उसके पास लोगों को बांटने के लिए इतने सोने के सिक्के आए कहां से? मुझे तो इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। दुलारी और श्यामलाल त्रिवेदी की बताई जगह पर पहुंचते हैं। लक्ष्मीधर कहां है? वो देखो, वो रहा, फोन पर बात कर रहा है। और देखो, त्रिवेदी सिक्के बांट रहा है। कितनी लंबी लाइन लगी है। छोटू इधर आ। छोटू गांव का चाय वाला था। दुलारी को वो अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। हाँ दीदी। ये बता, यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है? पता कर कि लक्ष्मीधर के पास इतने सोने के सिक्के कैसे हैं कि वो सभी लोगों को बांट दे। हाँ दीदी। श्यामलाल को ये बात अच्छी नहीं लगती। तुमने उस छोटू को ये काम क्यों कहा? हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं? अगर वो ये बात लक्ष्मीधर को बता देगा तो उसे पता चल जाएगा कि हम उसकी जासूसी कर रहे हैं। छोटू मेरा बहुत विश्वास पात्र है। उसके माता पिता की बात मैं ही तो उसकी देखरेख करती हूँ। और वो चाय बेचता है तो वो सभी लोगों के मुँह से सभी तरह की बातें सुन सकता है। तुम्हें आदमियों की परख है। तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। थोड़ी देर बाद छोटू आता है और दुलारी को बताता है। दीदी आप ठीक कह रही थी, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है। सोने के सिक्के पड़ोस के गांव के बदनाम गांजा डाकू से खरीदे हैं। वो तो जरूर ये सब कहीं से लूट कर लाया होगा। मुखिया अभी फोन पर बात कर रहा था। हमारे गांव के उन्नति के लिए जो पैसे सरकार से मिले थे उसने वही खर्च कर दिए हैं। मुझे पता था, लक्ष्मीधर से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अपने पद से उसे इतना प्यार है कि वो लोगों के बारे में सोचता तक नहीं। इतना बड़ा नेता होकर एक डाकू से चोरी के सामान खरीदता है। मैं उसे इतना गिरा हुआ नहीं समझता था। अब हमें इसका खुलासा करना होगा। हमारे गांव का भविष्य हमारे हाथों में है। अगर लक्ष्मीधर फिर से मुखिया बन गया तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। लक्ष्मीधर फोन पर बात कर रहा था। मैं तुम्हारे पैसे कल भिजवा दूंगा। तुम गांव के मुखिया को इस तरह धमकी नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, कल शाम पुराने कुएं के पास मिलना। हाँ मैं खुद आऊंगा। छोटू चाय वाला बातें सुन लेता है और चुपके से दुलारी को फोन करता है। अब कल शाम पुराने कुएं के पीछे पूरा गांव लक्ष्मीधर का असली चेहरा देखेगा। दुलारी कुछ गांव के लोगों को जमा करके पुराने कुएं के पीछे एक छिपने की जगह पर छुप जाती है। वो लोग इंतजार करते रहते हैं पर लक्ष्मीधर नहीं आता। मैंने तो पहले ही कहा था, हमारे गांव के मुखिया में कोई खोट नहीं है। श्यामलाल जीतने के लिए ये सब अफवाहें उड़ा रहा है। चलो सब घर चलते हैं। बूढ़ा आदमी अपनी छुपने की जगह से निकलता है तभी गांजा डाकू वहां पहुंचता है। लक्ष्मीधर, यही है तुम्हारा जासूस। अब तुम ही तय करो कि इसे सजा क्या देनी है। लक्ष्मीधर अपने दो आदमियों को चाकू लेकर उस बुजुर्ग आदमी की गर्दन पर रखने को कहता है।
तुम लोगों को मैं इतने साल से खिला पिला रहा हूँ, हैं? तब भी तुम ऐसी हरकतें करते हो। नीच लोगों को कोई समझ नहीं होती। उसके मुंह से जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, छुपने की जगह से सारे गांव वाले निकल आते हैं और श्यामलाल लक्ष्मीधर और गांजा डाकू पर हमला बोल देता है। देखा चाचा, आप अपने जिस मुखिया के इतने पक्ष ले रहे थे उसका असली रूप, इसने गांजा डाकू को हमारे गांव की उन्नति के सारे पैसे दिए हैं और जो सिक्के आप लोगों को बांटे जा रहे हैं वो भी चोरी के हैं। सारे गांव वाले बहुत ही आक्रोश में आ जाते हैं और मुखिया पर हमला कर देते हैं। श्यामलाल और दुलारी किसी तरह लोगों को संभालते हैं और दोनों को गांव के पुलिस के हवाले कर देते हैं। सारे गांव वाले लक्ष्मीधर के खिलाफ बयान देते हैं और फिर श्यामलाल गांव का मुखिया बन जाता है। देखा, मैं कहती थी ना, आप अगर सच्चे दिल से लोगों की सेवा करना चाहते हो तो आप मुखिया जरूर बन जाओगे। इस दुनिया में भले ही कितनी भी भ्रष्टाचारी और बुराई हो, पर अभी भी सच्चाई और अच्छाई के लिए थोड़ी जगह बाकी है और आप जैसे सच्चे और अच्छे लोगों की वजह से ही तो ये दुनिया चल रही है। हमारा मुखिया कैसा हो, श्यामलाल के जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो, श्यामलाल के जैसा हो।